हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास विथ उपेंद्र कुमार सिन्हा इन भागवत विद्यापीठ छपरा। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर हीरोन्स फार्मूला फॉर क्लास 9। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड फार्मूलाज को देखा था, ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूलाज को देखा था, उन्हीं सारे फॉर्मूलों को यूज करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हैज एंगल सी 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। चूँकि राइट एंगल है सी पर, तो सी पर हम लोग राइट एंगल को इंडिकेट कर देंगे। जब डायग्राम बन गया तो हम लोगों को इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं हम लोगों के पास में है, या कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, और ना ही ट्रेपीजियम है, रोम्बस भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है। तो ऐसे फिगर्स का एरिया निकालने के लिए, चूँकि यहाँ पर सी राइट एंगल है, तो हम लोग ए बी और डी को जब ज्वाइन करेंगे तो यह क्वाड्रिलेटरल टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने ट्रायंगल में डिवाइड होंगे? टू ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर ट्रायंगल बी सी डी में जाएंगे और बी डी को फाइंड कर लेंगे। और जब बी डी फाइंड हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला को यूज कर, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला को यूज कर, और फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो गिवन डायमेंशन के आधार पर आप ऐसा ही डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम बनाने के बाद आप एरिया निकाल सकते हैं, टू डिफरेंट ट्रायंगल का एरिया निकाल कर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका डायग्राम आप देख रहे हैं, कह रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सोन, फाइंड द टोटल एरिया। हम लोग टोटल एरिया निकालना है। तो यह जो पिक्चर है 5 पार्ट्स में बट रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। डायमेंशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट जो है यह आइसोसेलस ट्रायंगल के शेप में है, तो फर्स्ट पार्ट का हम लोग एरिया निकाल लेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल फार्मूला से या फिर हीरोन्स फार्मूला से, जो कि निकल जाएगा आराम से। सेकंड पार्ट का जो डायग्राम दिख रहा है यह रेक्टेंगल शेप्ड में है, तो आप आराम से रेक्टेंगल के एरिया फार्मूला यूज करके निकाल लीजिएगा। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट छोड़ दीजिए अभी, पहले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को यूज करते हुए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया निकाल लीजिएगा। समस्या आएगी हम लोगों को थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट के लिए हम एक यहाँ पे फिर अलग से डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर एंड डी ए बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि ए डी के पैरेलल बी ई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और बी एफ जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी पर। तो बी ई जो होगा ए डी के बराबर होगा, जो कि 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और इस तरह से डी ई जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो फाइनली हम लोग सी ई निकालेंगे। तो सी ई निकालने के लिए सी डी में से डी ई को जब माइनस करेंगे तो सी ई निकल जाएगा, इस तरह से सी भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रायंगल बी सी ई को, तो इसके इच साइड इक्वल है, तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने का फॉर्मूला जो होता है √√3/2a, इससे हम लोग हाइट निकाल लेंगे, जो कि 0.866 सेंटीमीटर होगा। फिर हम आराम से जो इसका थर्ड पार्ट है, इसका शेप
जो है ट्रेपीजियम शेप्ड है, तो हम लोग आसानी से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे, और फिर ऑल फाइव पार्ट्स का एरिया को ऐड करके हम लोग होल डाइग्राम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। कह रहा है कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया जो है सेम है और दोनों के लिए बेस भी सेम है। डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल दिया है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, एंड पैरेललोग्राम जो है वह 28 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल एबीसी का जब एरिया निकल जाएगा तो सेम एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम बीसीईएफ का होगा, और हम लोग सब जानते हैं कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाई बेस होता है। तो इस तरह से आप लोग हाइट भी निकाल लेंगे। ओके, अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज। एक रोम्बस के शेप में फील्ड है जिसमें ग्रास जो है वो 18 काउज को ग्रेजिंग करने के लिए एनफ है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड द लॉन्गर डायमीटर लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर दिया हुआ है, तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग को एरिया ऑफ रोम्बस निकालना होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑल साइड दिया हुआ है, जो कि ईच साइड दिया है 30 सेंटीमीटर और वन ऑफ द डायगोनल 48 दिया हुआ है। और एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 यानी डायगोनल्स का प्रोडक्ट। यहाँ डायगोनल नहीं पता है तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला को यूज कर कर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। क्योंकि 18 काउज जो है वो ग्रेज कर रहा है फील्ड को, कर रही है फील्ड को, तो ईच काउ कितने एरिया को ग्रेज करेगी इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस को डिवाइड कर देंगे 18 से, और इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अम्ब्रेला मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। चूँकि यह 10 पीस से बना हुआ है और 2 डिफरेंट कलर से बना हुआ है, तो सबसे पहले 1 पीस का एरिया निकाल लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइड ऑफ द ईच पीस इज दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका एरिया। हीरोन फॉर्मूला को यूज करके भी निकाल सकते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूला को भी यूज करके निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको निकालना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। क्योंकि 10 पीस है तो ईच कलर का 5 पीस होगा, आप आराम से निकाल लीजिए 5 से मल्टीपल, या तो आप निकाल लीजिए 10 पीस का निकाल कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 5 का निकाल दीजिए इंटू 5 करके। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज। तो यहाँ पर चूँकि यह स्क्वायर है और हम सब जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड्स ईच अदर एट राइट एंगल, तो हाफ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गया। तो फर्स्ट जो ट्रायंगल हो गया उसका बेस 32 मान लेंगे और हाइट हो जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से सेकेंड पार्ट का सेम एरिया होगा और थर्ड पार्ट जो है वो आइसोसेलस ट्रायंगल शेप में है, तो आप आराम से इसका भी एरिया निकाल लीजिएगा। आपके पास फिर यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, हीरोन फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं और आइसोसेलस ट्रायंगल के फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इजी क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स जिसका डायमेंशन दिया हुआ है और टाइल्स को पॉलिशिंग करने का रेट भी दिया हुआ है, क्या कॉस्ट होगा। तो एक टाइल का आप क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिएगा क्योंकि डायमेंशन दिया हुआ है, इंटू 16 कर दीजिएगा तो टोटल एरिया टू बी पॉलिश निकल जाएगा। जब टोटल एरिया टू बी पॉलिश निकल जाएगा तो आप आसानी से फिर
कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया होता है। लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर गिवन 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑल्सो गिवन 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे और जो गिवन है उसको लिख लिए। तो यहाँ AD जो है 10 मीटर हुआ, CD जो है वो 14 हो गया, पैरेलल साइड जो है AD का BC वो 25 हो गया और AB 13 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि DE पैरेलल खींचेंगे AB के और DF परपेंडिकुलर खींच देंगे BC पर। तो इस तरह से AB बराबर DE बराबर 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और BE बराबर AD बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद हम लोग CE निकालेंगे। तो CE निकालने के लिए BC माइनस BE कर देंगे तो CE निकल जाएगा 15 मीटर। जब यह निकल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला को यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE निकालेंगे। और जब एरिया ऑफ DCE निकल जाएगा तो इसी में DF जो है वो हाइट है, तो यहाँ पर हम लोग हाइट निकालेंगे DF। तो DF हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इंटू 2 बाई बेस CE, CE को बेस लेंगे, तो इस तरह से हाइट निकल जाएगा। तब हमारे पास ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स 10 मीटर एंड 25 मीटर पता हो चुका रहेगा और हाइट DF पता रहेगा। तो आसानी से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो निकाल लेंगे फार्मूला को यूज करते हुए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इस तरह से बेटा आप लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 बनाएंगे और हम लोग फिर मिलेंगे आगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।